हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आए। और आज फिर हाजिर हूँ, और बट आज मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन भी अप्लाई कर ली है, बेस भी, कंटूरिंग भी कर ली है, और अब हम करेंगे बस आईज़ को सेट करेंगे। और मैंने कहा क्यों नहीं, तो चलें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि और वीडियो ज़्यादा अच्छी बने और आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं इनके आईब्रो से जो है, जो भी हमारी बेस वगैरह लगी, उसे मैं करूँगी डस्ट आउट, ताकि वो हम नीट कर लें। फिर हम इनकी आईज पर जो है अप्लाई करेंगे हम आईब्रोज पर। हमारा आईब्रोज को जो है खुद शेप दे सकते हैं। ठीक है, आईब्रोज बने हैं या नहीं बने, कहीं से सही हैं या नहीं है, वो हम पर डिपेंड है। ठीक है, और ये देखें यहाँ से हम आईब्रोज को बिल्कुल लाइट सी मैं जो है बस कलर अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा शेप नहीं दे रही। ये देखें, ठीक है, ब्राउन और ब्लैक मैंने लिया है। ठीक है, मैंने बड़े आराम से जो है आईब्रोज बनाने हैं, क्योंकि जो हर काम जल्दी का नहीं, आराम से किया हुआ काम ही बिल्कुल सही होता है, और हमने उसी तरह से करना है ताकि हमारा काम ख़राब ना हो, अच्छे से हो। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने ब्राउन और ब्लैक को जो है मिक्स करके मैं जो है आइस पर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और रिक्रिएट कर रही हूँ आईब्रोज को, कि हम पे डिपेंड है कि हम आईब्रोज को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, और ये देखिए सबसे पहले जो है मैं ब्राउन के साथ इनकी आईज क्रीज जो है वो ड्रॉ करी, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, लाइट कलर यूज करना है, फिर लाइट से हम लोगों ने डार्क पे जाना है। ठीक है, और मैंने यहाँ से इनकी आईज पकड़ी, और ये देखिए मैं इनकी आईज पर जो है क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, हमने बड़े आराम से लाइट सी जो है क्रीज ड्रो करनी है। ये भी मैं हस्बैंड कीजिए, ये भी मैं इसकी क्रिस्टाइन की यूज़ कर रही हूँ, 01 है, और इसमें से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बस क्रीज ड्रो करनी है मैंने, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और कोशिश करें जितना लाइट कलर होगा उतना ही अच्छा हम आईज को जो है ब्लेंड कर पाएंगे। ठीक है, हमने लाइट डार्क कलर यूज़ किया है, तो उसमें लाइट को मर्ज करके हम उसे अच्छी तरह से जो है ब्लेंडिंग करेंगे, मर्ज करेंगे कलर को, ताकि हमारा कलर जो है अच्छी तरह से आईज पर मर्ज हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई भी शेड नहीं जो मर्ज के बिना अच्छा लगे। ठीक है, तो हमने ये कोशिश करनी कि हम वही शेड हैं जो आईज पर ईजिली मर्ज कर सकें। हो गया, और ये देखिए मैं बिल्कुल लाइट सा, ये पीच सा कलर है, बेबी पिंक कह लें, बिल्कुल लाइट सा कलर है। ठीक है, वो मैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए आईज पर हम जितने लाइट कलर लेंगे उतना ही अच्छा हमारा आईज पर फिनिशिंग दिखाई देगी। ये देखिए पूरी आईज पर मैं बड़े आराम से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। और हमने आईज को यहाँ से और यहाँ से पकड़ना। ठीक है, ये देखिए, अच्छी तरह से ब्लेंड करना। ठीक है, ब्राउन लिया था मैंने, और बिल्कुल अब ब्राउन से भी लाइट कलर लेके मैंने इसे इसमें मर्ज कर दिया। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से इसे यहाँ से मर्ज कर देना। और ये देखिए बिल्कुल अब दूसरे से लेकर मैं से जो है पूरी आईज पर ब्लेंड करने लगी यहाँ से। ये देखें,
ताकि हमारी कहीं से भी जो है शेड ख़राब ना लगे, ब्लेंड हो जाए पूरी आइस पर, ये देखिए ठीक है। और यहाँ से भी मैं ऐसे करूँगी इसे ब्लेंड। सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से आइस ब्लेंड हो गई सब कलर्स के साथ। ये देखिए ये देखिए, अच्छी तरह से करेंगे, ताकि मैंने इसलिए थोड़ी बिल्कुल स्लोली काम करी ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से डिटेल में समझ भी आए और नज़र भी आए। और मैं इनके आइस पर जो है ब्लू अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पर पूरी आइस पर नहीं अप्लाई कर रही बिल्कुल, बस यहाँ पर लिड लाइन पर ही अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से हम बिल्कुल यहाँ से अप्लाई करेंगे और हाफ आइस पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। हम डार्क ब्लू में जब ब्लैक मिलाएंगे तो हमें जो कलर चाहिए ना वो हमें मिल जाएगा। ये देखें, अभी मैं बस ब्लू अप्लाई कर रही हूँ आप लोगों के सामने। इसके ऊपर जब मैं लाइट सा ब्लैक दूंगी तो ये पूरी आइस जो है डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस आपने ध्यान रखना कि क्या कलर हम मर्ज करें, ये कौन से कलर को ऐड करें और आइस जो है बड़ी अच्छी सी इन्हेंस होकर आए, ठीक है। हर कलर को हमने अच्छी तरह से देखना है। बस बंद करें, ये देखें। अब ये देखें, मैंने इसमें अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक को, ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल लाइट। ये देखें, जितने कलर मिलाएंगे उतने ही कलर जो है इनहेंस। और आप पे डिपेंड है कि आपको कैसा लाइनर चाहिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और ब्लू को ऐड कर रही हूँ, देखिए। और ये देखें, अब मैं इनको हाइलाइटर लगाने लगी हूँ। जहाँ जहाँ आपका दिल करे आप लगा सकते हैं, बट मेन जो है हमारा हम यहीं पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखें, जब हम लिप लाइन पे लगाते हैं ना तो बड़े हाईलाइट हो जाते हैं लिप्स पे, और उससे इजीली जो है हमारी शेप हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। अभी देखिए, मैं आपके सामने जो है लाइनर अप्लाई करने लगी।
ये आप देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से लाइनर लगा है। अब इसी तरह मैं दूसरी आंख पर भी अप्लाई करूँगी। नहीं खड़ने ना, पर अब मैं इनकी ये जो आईज लेड है यहाँ पर भी मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये मैट में मैंने लगा रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, आज का हमारा जो मेकओवर है बिल्कुल डन हो चुका है। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट सा टच दिया है मैंने, कोई हैवी पन नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा लाइट सा है लुक। और उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।